हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी टाइम रात के 7 बज रहे हैं, शायद 7 या 7:30 बज रहे होंगे, और आगे चल रही है हमारी जुपिटर। देखो इसके पीछे वाली लाइट दूर से देखने में क्या बढ़िया लगती है, एकदम झप 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 जल रही है। और फिलहाल मैं चला रहा हूँ स्प्लेंडर। तो अभी हम जा रहे हैं मदनगिरी तक थोड़ी सब्जी लेने। तो कल परसों शादी है तो उसके लिए सब्जी लेने जाना है। वैसे सारी तो नहीं आएगी स्कूटी में, पर कुछ कुछ आ जाएगी। और इस टाइम मेरे ख्याल से जाम मिलेगा बहुत ज़्यादा, तो देखते हैं। बाकी ये बाइक भी बढ़िया चल रही है, एकदम स्मूथ स्मूथ लाइक बटर। क्या बढ़िया लगती है यार स्कूटी दूर से देखने में। मन कर रहा है बस देखता ही जाऊं जिंदगी भर। चलो यार चलते हैं फटाफट। वैसे घर के पास ही जाना है, 3-4 किलोमीटर दूर होगा, 4 भी नहीं 3 किलोमीटर होगा बस। ये अभी मैं देवली में हूँ, सामने जाके बस रोड पार करना है। तो आपने नाम सुना भी होगा, मदनगिरी उसी के पास है। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm. तो मेन रोड पे पहुंच गए हैं। स्कूटी की ब्रेकिंग यार इससे ज्यादा बढ़िया है स्प्लेंडर से। इसमें तो ब्रेक लगाओ ना लगाओ एक ही बराबर है, पीछे की। आगे वाली से तो फिर भी रुक जा रही है, पीछे वाले से तो कुछ भी नहीं हो रहा, बस टायर लॉक हो जा रहा है और स्कूटी आगे चलती जा रही है। बाइकों में भी दे देनी चाहिए वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे पीछे की ब्रेक मारो तो दोनों टायर रुके। वैसे दोनों है सेम बजट की, जितने की स्प्लेंडर आती है इतने की होगी टीवीएस जुपिटर भी। थोड़ा फर्क होगा 2-3 हज़ार रुपये का बस, पर यह उसमें कंफर्ट ज़्यादा है, ब्रेकिंग बढ़िया है और स्टेबिलिटी भी बढ़िया है। लेकिन स्प्लेंडर में उससे भी एक चीज़ बढ़िया है, वो है माइलेज। तो स्प्लेंडर जितनी माइलेज नहीं दे पाएगी आपको टीवीएस जुपिटर, स्प्लेंडर की आधी माइलेज देती है वो। और अगर गलती से आपने ट्रैफिक में या उबड़ खाबड़ रस्ते में गलियों में ज़्यादा चला दी, फिर तो आप भूल ही जाओ माइलेज। तो अगर आपका बजट 85,000 या 90,000 के आसपास का है और आप कंफ्यूज हो स्प्लेंडर लें या टीवीएस जुपिटर लें या फिर स्कूटी लें या बाइक लें, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। स्प्लेंडर का क्या फ़ायदा है, चाहे ट्रैफिक हो उबड़ खाबड़ रास्ता हो, माइलेज आपको ठीक ठाक दे देती है हर जगह। और अगर रास्ता प्लेन हो तो फिर इतनी माइलेज देगी जितनी आपने कभी सोची नहीं होगी। यहाँ से लेना है हमें, चलो और बाकी अगर आपको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, सामान वामान ज़्यादा ले जाना होता है, तब आपके लिए स्कूटी बढ़िया रहेगी। इसकी सीट तो छोटी सी है, पतली सी, जुपिटर की सीट बहुत चौड़ी है, सारी स्कूटियों की सेम ही होती है चौड़ी। तो कंफर्ट के मामले में तो स्कूटी बेस्ट है, चाहे पैर रखने का कंफर्ट हो या बैठने का कंफर्ट हो या चलाने का कंफर्ट हो ट्रैफिक में। इसमें देखो क्लच दबाना पड़ रहा है, ये मैनुअल गाड़ी है और स्कूटी होती है ऑटोमेटिक। अब तो मेरे को वैसे ऑटोमेटिक की ज़्यादा आदत हो गई है। Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'm a. तो अब हम ले जा रहे हैं सब्जियां घर पे। सब्जी उठाते उठाते भैया की गर्लफ्रेंड का फोन आ गया है। अभी हमें बहुत दूर जाना है सब्जी लेके, देखते हैं कितनी देर में ले जा पाते हैं। तो ये कम से कम 20-30 किलो होगी, 30 किलो से ज्यादा ही होगी। तो सब्जी ले लिया, अब चलते हैं घर की तरफ। और बाकी इसे चलाने में भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वैसे दो लोगों को बिठा के सही चलती है, वरना तो उड़ती रहती है। तो चलो अब आपसे सीधा कल ही मिलता हूँ, कल सुबह जिम भी जाना है। ऑटो वाले ने कितने पैसे लिए, और वो खड़ी हमारी स्कूटी सामने, और जो सब्जियाँ हैं वो ऑटो वाला ले जा रहा है घर, तो वो सीधा घर पर ही छोड़ देगा। तो अभी टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मैं जिम भी नहीं गया, और आज सबसे पहला काम है स्कूटी में एक चीज़ ठीक करवानी है। तो अभी फिलहाल तो स्कूटी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, देखो नीचे भी कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है, और जो इसकी रेस है ना वो कम हो रखी है। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी रेस ठीक करवाने, धूल पहले साफ कर लेता हूँ थोड़ी। और उसके साथ साथ मेरे को कुर्ता भी देना है प्रेस करवाने के लिए, तो कुर्ता आपको शाम को दिखाऊंगा पहन के। शाम को मेरे को मेहंदी में जाना है तो इसे ही पहन के जाऊंगा। और मैकेनिक के पास ले जाने से पहले इसकी डिक्की खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं से वो खोल के रेस ठीक करते हैं, पूरी स्कूटी नहीं खोलनी पड़ती उसके लिए। तो डिक्की हो चुकी है खाली, अब चलते हैं फटाफट स्कूटी साफ करके। फिलहाल कुर्ता तो दे दिया है प्रेस करवाने के लिए, अब चलते हैं मैकेनिक के पास। तो रेस ठीक करवा दिया है, अब तो वैसे बंद हो नहीं रही है, पर अगर अब बंद होगी तो मैकेनिक भैया ने बोला है कि इसका वो क्लीन होगा कार्बोरेटर।
तो स्कूटी हो चुकी है साफ, अब चलते हैं मेहंदी में। खाना ले लिया हमने, तो खाना वाना खा के बाहर आ गए हैं। यहाँ सामने हो रही है मेहंदी और ये खड़ी अपनी स्कूटी। देखो मैंने आते टाइम कपड़ा मारा था तो चमक रही है, और अभी मैंने ये वाली चप्पल पहन रखी है, कोल्हापुरी चप्पल, तो पहली बार पहन रहा हूँ जिंदगी में इसे। और बाकी कुर्ता पजामा भी पहली बार ही पहन रहा हूँ। बढ़िया है, वैसे कम्फर्टेबल है, ऐसा लग ही नहीं रहा कोई वैसे कपड़े पहने शादी वादी में जाने के लिए। और चश्मा पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा हूँ। और यहाँ पे बन रहे हैं नान, नान या रोटी वोटी जो भी है, तंदूर लग रखा है। तो हल्दी का फंक्शन खत्म हो चुका है और आज भी वही कपड़े पहने मैंने कल वाले। तो अभी टाइम 5:09 हो गए हैं। अब रात को शादी में जाना है तो शादी में जाने से पहले ये लगा लेता हूँ। तो ये अभी खरीद के लाया हूँ मैं गार्नियर स्किन नेचुरल्स, ये वो है शीट मास्क, इसे 15 मिनट लगाना है। तो देखते हैं कुछ काम करता है या नहीं करता। और ये मेरे को पड़ा था 99 रुपये का, पता नहीं कहाँ लिखा है इसमें, हाँ यहाँ पे लिखा है 99 रुपीज ओनली। तो अभी फेस कुछ ऐसा लग रहा है, अब देखते हैं इसे लगाने के बाद कैसा होता है। तो फेस मास्क लगाने के बाद कुछ ऐसा हो गया है चेहरा, वैसे तो थोड़ा और ज्यादा साफ हो गया है। तो बढ़िया है, अब तैयार होते हैं, फटाफट पहनता हूँ कोट पैंट। तो अभी टाइम रात के 12:28 हो गए हैं और अभी शादी चल ही रही है। ये देखो सब फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, यहाँ सामने भी फोटो खिंचा रहे हैं दूल्हा दुल्हन। और आज मैंने कुछ ऐसे शूज पहन रखे हैं, ऐसे वाले जूते मैं पहली बार पहन रहा हूँ जिंदगी में। पर कोट के साथ ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही पहन रखे हैं, देखो
वैसे मैं कोट पैंट भी पहली बार ही पहन रहा हूँ। तो आपने फोटो देख ली होगी, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा था। और अभी तो पूरी रात यहीं रहना है, सुबह सुबह जाऊंगा घर, तो देखते हैं कैसा कैसा क्या रहता है।